दिसंबर 2 तारीख सुधा बंगोपसागर में बात्या संभावना रही। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में यह बात्या सृष्टि अनुमान करिछि भारतीय पानीपाग विभाग। भारतीय पानीपाग विभाग सूचना अनुसार अंडमान सागर लघुचाप एवं वेलमार्क लो प्रेशर में परिणत हो आज यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर घनीभूत हो डिप्रेशन में परिणत हो पुणी उत्तर पश्चिम दिगक गति करने सहित घनीभूत हो बात्यारे परिणत हो। संभाव्य बात्यापाई सात जिलार जिलापालंकु चिठी लिखिछंती एसआरसी। से जिलागुड़िक हेउछि बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, गंजाम। सेपटे भयभीत न होइ कटा होइतबा फसलकु सुरक्षित स्थानरे रखिबाकु परामर्श देइछंती कृषि सचिव। नॉर्थ वेस्ट होकर के साउथ वेस्ट एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है 2 दिसंबर के आसपास। 3 दिसंबर, 4 दिसंबर में एक दो जगह करके रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है आइसोलेटेड। मेनली कोस्टल रिशा एडजॉइनिंग हमारा साउथ इंटीरियर का कुछ डिस्ट्रिक्ट में 5 दिसंबर में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। अभी वर्षा परिमाण बेसी हे जदि फसल कटा है कि कोठी अच्छी तले मैं सब परामर्श दौ ठीक हिसाब से सुरक्षित स्थान को आने कि जेहेतु नुआ कौन सी जगह आलू फसल भी कर रबी ऋतु आलू हूँ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ताको आमे टाइमिंग बा प्लांटिंग टाइम चेंज करा पिन दउछु बट देयर इज नथिंग टू पैनिक एबे कोनसी भयभीत हेबार सेम दे किसी कारण नाही।